बिल्कुल ये स्वर है और ये है व्यंजन। इन व्यंजनों के साथ ये स्वर जुड़ेंगे तब हमारी बराबरी बनेगी। कै के साथ ए जुड़ा तो क्या बना? कै। कै के साथ आ जुड़ा तो का। ये जो आ की मात्रा है वो का। कै के साथ ई जुड़ी तो की। कै के साथ बड़ी ई जुड़ेगी तो की। ऐसे लिखी जाए, ये बारह है। अब आप ये बारह भी सीखेंगे, यानी स्वर और व्यंजनों के मेल से बनती है बारह खड़ी। और बारह खड़ी को जोड़कर भी हमारे शब्द बनेंगे और शब्दों को जोड़ने से भी हमारे वाक्य बनते हैं। इसीलिए हमें पहले ये बारह खड़ी जरूर सीखनी चाहिए। वाक्य लिखना है, शब्द लिखना है, तो बारह खड़ी आएगी तो हम लिख पाएंगे। अब देखो कै, कै के साथ है जुड़ गया तो कै। कै के साथ आ जुड़ा तो का। कै के साथ आ जुड़ा तो का। कै के साथ ई जुड़ी तो की, छोटी की मात्रा बाईं ओर से। कै के साथ ई जुड़ी तो की, की। कै के साथ छोटा उ जुड़ा तो मात्रा घी, है कि ये की मात्रा घी।
ब्रैकेट ए की मात्रा
अब ये है।